हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है कोविड-19। सो जैसा कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं कोविड पॉजिटिव हो चुका था, और तो मैंने सोचा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, और आप लोगों की जितनी हेल्प हो सके वो मुझे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे को क्या सिम्टम्स आए और क्या क्या मैंने इसके लिए किया, कैसे कैसे मैं रिकवर हुआ। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, और आपको आई होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सबसे पहले मुझे कोल्ड एंड कफ हुआ था। तो जैसे कि मौसम बदल रहा है, मुझे लगा कि मुझे नॉर्मल कोल्ड एंड कफ है, मैं केमिस्ट से दवाई ले आया। लेकिन जब मैं मेडिसिन लेके आया तो मैंने नोटिस किया कि मुझे स्मेल नहीं आ रही, और ये स्मेल वाला जो चक्कर है, ये जब मेरे फ्रेंड्स को भी हुआ था पहले, तो उन्होंने भी बताया था, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था, तो मैं हैरान था। मैं सोचता था कि ये क्या चक्कर है, स्मेल क्यों नहीं आती, स्मेल तो आती होगी। तो जब मेरे साथ भी ये चीज़ हुई तो मैंने भी फटाफट से डीओ ट्राई किया। मैंने अपने हाथ पे डीओ लगाया, मैंने कई बार डीओ लगा लगा के ट्राई किया, मैंने इवन विक्स को भी स्मेल किया, बट मुझे स्मेल बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई। मैं हैरान हो गया, ये कैसे हो रहा है, ये मतलब फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा पैनिक करने लगा था, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर एडवाइस करना चाहूँगा कि पैनिक नहीं होना है आप लोगों को इसके अंदर। आपको बिल्कुल एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ रहना है, ये इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है, आप घर बैठे इसका इलाज कर सकते हैं। ये जब तक आपको, आप घर पे बैठे अपना इसका इलाज करेंगे प्रॉपरली, आप इसका ट्रीटमेंट लेंगे, तो आप घर पे रिकवर हो सकते हैं। उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया, जो कि हॉस्पिटल में ही है, और उसने मुझे एडवाइस करी। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कुछ प्रिस्क्रिप्शन दी, मेडिसिन्स लिखी, जो मेडिसिन्स आप सबको पता होंगी जिनको कोविड हो चुका है, और तो वो मेडिसिन्स आपको लेनी है जरूर साथ के साथ। इसके अलावा जो सिम्टम्स मुझे और अपने कुलीग से, अपने फ्रेंड से पता चले, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। आजकल के टाइम जो इसके सिम्टम पहले थे, लाइक फीवर आना, वो सब तो कॉमन सिम्टम है, लॉस ऑफ स्मेल भी कॉमन है, लेकिन अभी इसमें जो नया सिम्टम आने लगा है, लूज मोशन। आपको लूज मोशन कई लोगों मैंने नोटिस करी है, लोगों ने जो मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। तो ऐसे ही कई सारे इसमें, मतलब बहुत फनी फनी इंसिडेंट भी हो रहे हैं, बहुत फनी फनी लाइक लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो भी इसमें सिम्टम्स आ रहे हैं। आप इसको नज़रअंदाज मत कीजिए। जैसे ही आपको लगता है कि अगर आपको कुछ सिम्टम इसके अंदर लग रहे हैं, तो फर्स्ट डे से ही प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप घर बैठे, मेरी बात मानिए, आप घर बैठे ही ठीक हो सकते हैं इससे। सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे मुझे लॉस ऑफ स्मेल हुई, मैंने सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट किया। आइसोलेट होने के बाद मैं जैसे तैसे करके अपना टेस्ट करवाने गया, और कोविड के टेस्ट के लिए इतनी लाइन लगी है अभी आज के टाइम पे, होम सैंपल कलेक्शन नहीं हो रही है बिल्कुल भी। उस टाइम पे भी थी, लेकिन 3-3 दिन की वेटिंग चल रही थी। आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी होम सैंपल कलेक्शन के लिए बिल्कुल दे सेड नो। सो मैं टेस्ट करवा के आया अपना, और मैं आइसोलेट करके वापस अपने रूम में आ गया, एंड उसके बाद मैं वेट करता रहा अपने रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट जैसा कि मुझे लग ही रहा था, काफ़ी चांसेस से मुझे जब लॉस ऑफ स्मेल हो गई थी तो पॉजिटिव ही आनी है। सो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आई, और उसके बाद नेक्स्ट डे से मेरी फैमिली में भी सबको फीवर आने लगा। हमें लगा कि ये कहीं बढ़ ना जाए, बिकॉज अभी ये एयर में ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है जितना मुझे पता चला है, ये जो न्यू स्ट्रेन आया। तो फैमिली में पेरेंट्स को भी फीवर हुआ, हमने उनका भी टेस्ट कराया, वो भी सब पॉजिटिव थे, तो हमारी पूरी फैमिली पॉजिटिव थी। उन लोगों का फीवर 2-3 दिन में उतर गया। तो फीवर में लगते हैं 3 से 4 दिन, 5 दिन लगते हैं, तो आप लोग घबराइए नहीं, लेकिन हाँ, फीवर को आप 100+ मत जाने दीजिए। जहाँ आपको लग रहा है 99.5-100 आपका फीवर है, तो वहीं पर ही आप दो लो पैरासीटामोल ये सब लेके फीवर को कंट्रोल कीजिए। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, मेडिसिन्स मैंने स्टार्ट कर दी अपनी, जैसे कि मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी मुझे।
और उसके साथ साथ इसमें जितना मेडिसिन काम नहीं करती उससे ज़्यादा जो काम करेंगे आपकी होम रेमेडीज काम करेंगी, जिसके लिए कि सबसे पहले आपका रहेगी स्टीम। तो आप दिन में कम से कम 4 से 5 बार स्टीम लें, अच्छे से स्टीम लीजिए। गर्म पानी आपको पीना है, ठंडा कुछ भी नहीं खाना आपको फ्रिज का। जितनी आप खट्टी चीज़ें खा सकते हैं, विटामिन सी आप लीजिए, वो आपको जरूर लेनी है। खाने की डाइट की बात करूं तो आप फ्रूट्स खाइए, जितना फ्रूट्स खाएंगे उतना अच्छा होगा। आप ड्राई फ्रूट लीजिए, काजू बादाम, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। और दूध जरूर पीजिए, मिल्क में आप थोड़ा सा पिंच ऑफ टर्मरिक, हल्दी जिसे कहते हैं, वो आप डाल के जरूर पीजिए। और अगर आप एग खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज एग में जिंक काफ़ी ज़्यादा रहता है और जिंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कोविड पेशेंट्स को। तो बॉइल्ड एग आप लोग डेली 1 से 2 बॉइल्ड एग जरूर खाइए। तो यही सब मैंने भी फॉलो किया और आज मुझे 13 डेज हो चुके हैं क्वारंटाइन हुए हुए, और मैं काफ़ी अभी बेटर फील कर रहा हूँ, मैं काफ़ी अच्छा रिकवर कर चुका हूँ। मेरी जो स्मेल है वो मेरी 3 से 4 दिन में वापस आ गई थी। सो गाइज, अभी कोविड की जो सिचुएशन है बाहर वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज कुछ तो सीरियस पेशेंट भी हैं जहाँ तक मुझे लगता है, जो ओल्ड एज है या जिन्हें अस्थमा है या जो डायबिटिक हैं, तो वो लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज अभी थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब है जितना मैंने भी न्यूज़ में देखा। अभी तक मैं न्यूज़ नहीं देख रहा था, बट मैंने सोचा चलो मैं भी देखता हूँ न्यूज़, लेकिन न्यूज़ में यहाँ थोड़ा ओवर दिखाते हैं, बट स्टिल सिचुएशन ख़राब है। अभी ऑक्सीजन की काफ़ी कमी चल रही है, स्पेशली दिल्ली में, और दिल्ली में ही क्या, इंडिया के सारे पार्ट्स में ही प्रॉब्लम चल रही है। तो ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयाँ नहीं है, बेड्स नहीं है, लोग बाहर हॉस्पिटल्स के बाहर वेट कर रहे हैं, पूरी पूरी रात पेशेंट्स स्ट्रेचर पे ही गुजार रहे हैं, और डॉक्टर्स भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैनिक ना करें इसमें, जितना आप घर पे रह के अपना इलाज कर सकते हैं तो घर पे रह के ही इलाज कीजिए। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है इसमें, ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, और अगर आपको ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर आपको एक रखना है अपने घर में, तो ऑक्सीमीटर अगर आप रखेंगे तो उससे अपना आप अपने आप को आप मॉनिटर कर सकते हैं। तो उससे आप मॉनिटर करते रहिए, आपकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो प्रॉपर आनी चाहिए। मैं भी अपनी मॉनिटर कर रहा था, अपने पेरेंट्स की भी कर रहा था, सबकी, थैंक गॉड, सबकी जो ऑक्सीजन है वो 98-99 थी। और लेकिन जिस जिसको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम लग रही है तो आप प्लीज़ उसको मॉनिटर करते रहना है आपको टाइम टू टाइम। अगर आपको लगता है आपकी ऑक्सीजन कम जा रही है, आपकी ऑक्सीजन अगर 94 या 93 से नीचे जा रही है, तो स्टिल तब भी पैनिक मत कीजिए, आप घर पे बैठे रिकवर हो सकते हैं। उसके लिए मैं एक आपको एक्सरसाइज बताता हूँ, जो कि एक एक्टिविटी है वो आपको करनी है डेली। तो अभी मैं आपको वो एक्टिविटी बताता हूँ आपको कैसे करनी है। तो आपको इसके लिए 2 पिलो चाहिए होंगे, एक आपको अपने लेग सपोर्ट के लिए और दूसरा आपको यहाँ आगे के लिए। आपको क्या करना है, आपको पेट के ऊपर लेटना है, इस पिलो को अपने हैंड के नीचे दबाना है। अब आपको डीप ब्रीथ लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। ये एक्टिविटी आपको करनी है 5 से 10 मिनट के लिए, और आप नोटिस करेंगे अपना ऑक्सीमीटर के साथ लगा के आप उसको चेक करेंगे तो उसमें आपके ऑक्सीजन में लेवल में फर्क आएगा। और रात को भी जब आप सोते हैं, दोपहर को जब आप सोते हैं, तो 1 से 2 घंटे अपने पेट के बल सोइए उल्टा होके, उससे आपकी ऑक्सीजन लेवल बढ़ने में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये एक्टिविटी मैंने आपको बताई, ये एक्टिविटी डेली आप करें, और रात को भी जब आप सोते हैं तो उसमें 1 से 2 घंटा आप अपने पेट के बल सोइए, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा। अगर उससे भी 90 से भी नीचे आपकी ऑक्सीजन जाती है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें फिर फटाफट से, और अपना ध्यान रखें। सो यही मेरा वीडियो बनाने का पर्पस था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जिनको भी अभी सिम्टम नहीं भी है तो मैंने पहले भी बताया, आप विटामिन सी की टैबलेट्स आती हैं वो आप रखिए अपने घर में, वो डेली आप 2 या 3 लीजिए। विटामिन सी से हमें कोई नुकसान नहीं होता, तो अपना ध्यान रखिए आप लोग, मिल्क लेते रहिए,
और काढ़ा जरूर पीजिए, अगर आप काढ़ा पी सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो आपको एक इम्यून आपका डेवलप करेगा और आपको जो नॉर्मल खांसी जुकाम भी रहता है तो उससे भी आपको रिकवर होने में फायदेमंद रहेगा। तो ओके, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।